अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अंजुम और आज हम चिकन कुल्फ़ी कबाब बनाएंगे। जिसे बनाने के लिए हमने 250 ग्राम चिकन लिया है, ये बोनलेस नहीं है। आप चाहे तो बोनलेस ले सकते हैं या तो लेग पीस ले सकते हैं, लेकिन चिकन के पीसेस थोड़े बड़े होने चाहिए। 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चीज़ क्यूब, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 नींबू का जूस और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 400 ml दूध लिया है हमने, फ्रेश क्रीम और 10 काजू और 6 बादाम का पेस्ट बना लिया है हमने। अब हम सबसे पहले चिकन में नमक ऐड करेंगे, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, नींबू का जूस, गरम मसाला पाउडर, इन सब को अच्छे से मिक्स करके हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो गया है, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। हमने पैन गैस पर गरम करने के लिए रख दिया है और उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब हम इसमें एक एक करके सारे चिकन के पीसेस ऐड करेंगे और नीचे से ब्राउन स्पॉट्स आने तक हम इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। चलिए चेक करते हैं, चिकन के नीचे ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं। अब हम इन सारे चिकन पीसेस को टर्न कर लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम स्लो करके चिकन को 6 से 7 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। चिकन पक गई है अच्छे से, इसे एक बार चेक कर लेते हैं अलट पलट करके। दोनों तरफ से इस पर गोल्डन स्पॉट्स आ गए हैं और चिकन भी अच्छे से पक गई है। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। ये डिश हम अक्सर शादियों में खाते हैं, हम लोगों को बहुत पसंद भी आती है। इसे हम बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हम घर में भी बना सकते हैं। और यहाँ हमने गैस पर पैन गरम करने के लिए रख दिया है, उसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और उसके बाद हम 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे उसमें। और जब तक मैदे का कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इसे स्लो फ्लेम पर भूनते रहेंगे। मैदे का कलर चेंज हो गया है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर लो हो जाए तब हम इसमें दूध ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे और ये बहुत ही स्मूथ बनेगा। हमने थोड़ा थोड़ा करके ये सारा दूध इसमें ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स भी कर दिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे स्लो फ्लेम पर गाढ़ा होने तक पकने देंगे। देखिए ये गाढ़ा होने लगा है। अब हम इसमें 1 चीज़ क्यूब ग्रेट करके डालेंगे। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, उसके बाद काजू और बादाम का पेस्ट जो हमने बनाया था वो उसमें ऐड करेंगे। हमने गैस ऑफ कर दिया है, अब हम इसमें 150 से 200 ml के करीब फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमारा क्रीमी वाइट सॉस रेडी हो गया है। ये वाइट सॉस का टेस्ट मैं बता नहीं सकती आपको, इतना टेस्टी, इतना ऑसम था। आप लोग भी इसे ज़रूर बनाएं। अब हम एक सिल्वर फॉइल का पीस ले लेंगे जिसमें हम 2 चिकन के पीसेस रख रहे हैं और उसके ऊपर हम ये वाइट सॉस डाल देंगे। हमें वाइट सॉस अच्छे से डालना है इसमें और इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। हमने सारे चिकन पीसेस को इस तरह से सिल्वर फॉइल में फोल्ड कर लिया है। अब हम गैस पर एक पैन गरम कर लेंगे 1 टीस्पून ऑयल डाल के। गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे हम और एक एक चिकन का पैकेट हम इसमें इस तरह से रख देंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो चिकन मैरिनेट करते वक्त इसे कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं।
उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। हम इसे ढककर पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इन पैकेट्स को निकाल लेते हैं। हम आपको खोलकर बताते हैं ये कैसा लगता है। हमारा चिकन कुल्फी कबाब रेडी हो गया है। आप लोग भी इसे ज़रूर बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम मम्मी का जायका।